नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टीजी राठौर। मैं कृषि नेटवर्क की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हमारे एक साथी किसान श्री अविनाश जी से, जो ग्राम मनोहर नगर से जिला यवतमाल और महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं। अविनाश जी, हमें पहले अपना परिचय दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश गोविंद राठौर और मैं मनोहर नगर गाँव का रहने वाला हूँ। मेरा जिला है यवतमाल और मैं महाराष्ट्र राज्य का हूँ रहने वाला हूँ। अविनाश जी, हम हमारे शो किसान संपर्क में आपका स्वागत करते हैं और आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी, पूछ सकते हैं जी। अविनाश जी, हमें बताइए जो आपके पीछे वो उसका नाम क्या है? एक खेत तालाब। खेत तालाब, हाँ। अविनाश जी, हमें बताइए इस खेत तालाब में पानी कैसे आता है? ये हमारा एक छोटा सा नाला है। जी जी। इस नाले में पहाड़ से पानी आता है और ये पूरा पानी खेत में खेत तालाब में जमा होता है। यानी कि जब बारिश होती है तो इसमें पानी बहुत सारा आता है और आपने इस नाले को अपने तालाब में ज्वाइन कर रखा है, यानी कि पूरा पहाड़ का पानी इसमें जमा हो जाता है? नहीं जी, पहाड़ का पानी आता है इसमें। हाँ, अच्छा अविनाश जी, हमें बताइए ये तालाब का पूरा सिस्टम क्या है, यानी कि इसका आप उपयोग कैसे करते हैं? जो पहाड़ों से पानी आता है वो इसमें जमा होता है। हाँ। और पहले वो पानी पूरा वेस्ट ही जाता था। हाँ। इसलिए हमने ये तरीका खेत तालाब का तरीका आजमाया। हाँ। तो वो पानी फसल के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। यानी कि जो पानी वेस्ट हो रहा था यहाँ पर, आप उसको हाँ। जमा करके अपने फसल को बाद फसल में के लिए इस्तेमाल कर रहे। हाँ, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अविनाश जी, हमें बताइए आप इसमें मछली पालन क्यों नहीं करते? मछली पालन का तो सोचा नहीं है, आगे देखेंगे। यानी कि अभी तक आपने वैसा प्लान ही नहीं बनाया? तो ये बनाया है धीरे धीरे। हाँ हाँ हाँ। अविनाश जी, हमें बताइए ये परमानेंट है या टेम्पररी है? परमानेंट ही है, क्योंकि आगे काम आ सकता है ना। यानी कि आगे के मौसम में जब बारिश नहीं होती। हाँ, तो आगे काम, यानी कि आपका परमानेंट है तालाब? जी। आपने इस तालाब की खुदाई कैसे की? जेसीबी की मदद से। जेसीबी की मदद से? मदद से बनवाया है। हाँ। अविनाश जी, आपको ये तालाब खोदने में कितना खर्च हुआ, यानी कि आपको इस कितनी लागत लगी? 70,000 लगी। 70,000 का खर्च हुआ? हाँ, पूरा 70,000 का हुआ है। हाँ। अविनाश जी, आप हमारे किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं, जरा आप दो शब्दों में बताइएगा। किसानों को यही कहना चाहता हूँ कि हाँ। हर किसान अपने खेत में ये तालाब बनाए। हाँ। क्योंकि बारिश के मौसम में जब बारिश नहीं होगी तो ये पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप इसका फायदा कर सकते हैं। जब बारिश नहीं हो सकती तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आप हमें बताइए कि आप इसका इस्तेमाल फसल को पानी देने में कैसे देते हैं? मोटर की मदद से फसल को पानी देते हैं हम। जब बारिश का मौसम ख़त्म हो जाता है तो आप इसमें मोटर फिट करके अपनी फसल को पानी दे सकते हैं। आप हमें बताइए कि आप इस तालाब के भरोसे कौन कौन से खेत में फसल लगाया है? एक ही फसल लगाया हमने, कपास। कपास? हाँ। ये कपास की खेती की है आपने, नहीं क्या? जी, यही कपास है हमारा। अभी पानी, बारिश भी नहीं हो रही, अभी सोच रहे हैं कि पानी देंगे इसको। अच्छा बताइए, आपके कपास को कितने दिन हो गए? लगभग एक महीना हो गया। एक महीने के आसपास हो गया आपकी कपास की फसल को? नहीं। हाँ जी। और आपके कपास के अंदर और कौन सा फसल लगाया जो अलग सा दिख रहा है? अतहर तूर। यानी आप कपास के बीच में तुर का भी उपयोग करते हैं? जी। अभी फिलहाल बारिश का मौसम है इसलिए इसमें पानी बहुत ज़्यादा आपके खेत में, और दूसरी फसल नहीं लगे आपने यहाँ पर दिखाई दे रही है? वो लगवाया है ना, कपास में ही संतरे, संतरा है। यानी कि आप संतरे की खेती भी करते हैं? अच्छी बात है। अच्छा अविनाश जी, मैंने सुना था कि इस तालाब की सरकारी स्कीम भी आती है, आपने स्कीम से फ़ायदा नहीं लिया? फिलहाल हमने तो अभी अभी सुना है। हाँ, लेकिन उससे पहले ही हमने बनवाया। यानी कि स्कीम जब नई आई थी इसके पहले आपने तालाब बना लिया था? स्कीम से पहले ही हमने बनवा लिया था खुद से। इसमें पानी कितना भर जाता है, फुल भर जाता है? पूरा भर के बह जाता है यहाँ से। इस यहाँ पर आप पानी निकलने के लिए अलग सा रास्ता बना रखे हैं? नहीं, यानी कि पानी आपके खेत को नुकसान नहीं कर पाए? इस तालाब का पूरा पानी यहाँ से चला जाता है? पहाड़ से पानी आता है, पूरा भर के यहाँ से बहता है और ये नदी में जाता है। ये नाला आगे को नदी में मिल जाता है? नहीं। और आपने यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बांध बनाए रखे चारों ओर से, यानी कि आपका तालाब का जो पानी है
आपको फसल को बर्बाद ना करे। हाँ चलिए अविनाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका कीमती समय हमारे लिए निकाला, हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं इसके लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका कि हम आप हमारी किसान संपर्क में जुड़े, तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए, किसान संपर्क से जुड़ने के लिए डाउनलोड करें कृषि नेटवर्क ऐप, किसान बढ़ेगा आगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें।